you're watching Expose India. जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की 3 साल तक चली सरकार गिर चुकी है। राज्य में अब राज्यपाल शासन लागू हो चुका है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में बढ़ते कट्टरपंथ और आतंकवाद के चलते सरकार में बने रहना मुश्किल हो गया था। राज्य में 1977 के बाद से 8वीं बार राज्यपाल शासन लगा है। ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू को मंगलवार को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद यादव को मुंबई स्थित अस्पतालेशन हार्ट इंस्टीट्यूट में लाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि देश के सभी पुलिस थानों में तत्काल विशेष रूप से डिजाइन रेप जांच किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये किट लैंगिक हमलों और रेप के मामलों में तत्काल चिकित्सकीय जांच और शासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। असम में 6 और लोगों की मौत के साथ बाढ़ की जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। नगाम, होजे, कछार, कसीमगंज और हेलाकंदी जिलों में बाढ़ से 5.64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।